आज मैं आप लोगों को दूसरा पाठ द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदाप मे श्रुता, बिलस्य वाणी न मे कदाप श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। बिल समझते हैं ना, होल जिसमें चूहा भी रहता है और सब सारे सब बोल बना कर दीवार में होल होता है। तो कहने का मतलब कि मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुना। देखिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिबसत यस्म। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। प्रतिबसति अश्व लगा देने से यह पास्ट टेंस में बदल गया। प्रतिबसत जो है प्रेजेंट टेंस माने लटकाव की क्रिया है, लेकिन उसमें अगर अश्व हम जोड़ देते हैं तो यह भूतकाल की क्रिया बन जाती है। किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। शेर का क्या नाम था? खर। सह कदाचित इतस्तत परिभ्रम क्षुधार्त न किंचित आहारम प्राप्तवान। कभी एक समय वह इधर उधर, इतस्तत माने इत प्लस तत इधर उधर, इधर उधर इतस्तत परिभ्रमण घूमता हुआ क्षुधार्त भूख से पीड़ित न नहीं किंचित कुछ भी, किंचित प्लस अपि कुछ भी नहीं भोजन पाया। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां अपश्यत् दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत्। सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा, बहुत विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा। नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छत्। नूनम् माने निश्चय ही रात को कोई जीव अवश्य इस गुफा में आता है। अतः इसलिए अत्रैव, अत्र प्लस एव, अत्र माने यहां, एव माने ही, दोनों अव्यय है। अत्रैव निगूढ़ो छिप करके भूत्वा, भू प्लस अप्त्वा प्रत्यय, भूत्वा माने होकर गए, तिष्ठामि मैं यहीं पर बैठता हूं। ये तस्मिन् अंतरे इसके बाद गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगाला समागच्छति। गुफा का मालिक स्वामी दधिपुक्ष नाम का एक सियार वहां आया, समागच्छत आ पहुंचा। स च यावत पश्यत तावत सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। वह देखता है कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में, गुहायाम माने गुफा में प्रविष्टा माने प्रवेश करते हुए दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। न च बहिः आगता, लेकिन बाहर वापिस आते हुए, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। किसका, क्या नहीं दिखाई दे रहा? सिंह के पैरों के निशान, सिंह के पैरों के निशान जाते गुफा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन आते समय नहीं दिखाई दे रहे। सिंह सियार ने सोचा, अहो विनष्ट जस्मि, अब मैं मारा गया, अब मैं, मेरा नाश होगा। नूनम अश्विन बिले सिंह अस्ति इति, अस्ति इति लिखा हुआ है, अस्ति प्लस की, अस्ति माने है, ई जा रहा है, जैसे आप पढ़ते हैं ई जा रहा है, उसी प्रकार से अस्ति का मतलब है। निश्चय ही अश्विन बिले, इस बिल में सिंह है, तर्कयाम ऐसा सियार तर्क करता है।
शेर के पैरों के निशान गुफा की तरफ जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लौटते वापिस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसने निश्चय किया इस बिल में शेर है। तत् किम करवाण, अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, एवं विचिंत्य ऐसा सोच करके दूरस्थ रमम कर्तुमार, दूर से ही मतलब सियार रवम माने अपनी आवाज निकालना शुरू किया। कर्तुम प्लस आरब्ध, कर्तुम कर्तुम माने क्री धातु तुनु प्रत्यय प्लस आरब्ध मतलब शुरू किया। सियार जैसे बोलता है ना हुआ 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 ऐसे बोलता है ना, वो उसको उसकी आवाज को यहां रवम लिखा हुआ भोबिल। सियार ने क्या कहा, भोबिल किम न स्मरस, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया तया सह समय कृत अस्ति, तुम मेरे साथ एक वादा किया था, हमारे और तुम्हारे बीच में एक निर्णय हुआ था वादा, यत यदा हम यदा प्लस हम, जब मैं बाह्यात बाहर से प्रत्यागमिष्याम बाहर से लौट करके आऊंगा, तदा तुम माम आकर्षि तुम मुझे पुकारोगे, हे बिल तुम्हें याद नहीं है कि हमारे तुम्हारे बीच में एक समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे देखकर बुलाओगे, यदि तुम माम ना आहियस यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, तहम द्वितीय विलम्यास्याम तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्य, एतत् प्लस श्रुत्वा, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, श्रु धातु अत्व प्रत्यय, यह सुन करके सिंह अचिंत्य शेर जो है सोचने लगा, नूनमेषां गुहां स्वामिनः सदा सम्मानं करोति, निश्चय ही गुफा का स्वामी प्रतिदिन इसको नूनम एसाम गुहा या गुहा स्वामिनः सदा सम्मानम करो, निश्चय ही यह बिल यह गुफा जो है निश्चय ही प्रतिदिन अपने स्वामी को बुलाती है, निश्चित रूप से यह गुफा अपने स्वामी से को प्रतिदिन पुकारती बुलाती है, परंतु लेकिन मद भयात मेरे डर से न किंचित बदल, कुछ नहीं बोल रही है, कौन यह बिल मेरे डर से, क्योंकि मैं बैठा हूं इसलिए यह बिल जो है मेरे डर से कुछ नहीं बोल पा रहे, अथवा साधु इदम साधु प्लस इदम, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है क्या, भय संत्रस्त मनसाम हस्पादा दिक्रिया क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी चबे पथु अधिको भवे, भय संत्रस्त मनसा, भय जिसके मन में भय पैदा हो जाता है, डरे हुए मन वालों का, डरे हुए मन वालों का, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर, जो जो आदमी डरता है ना उसके हाथ और पैर क्रियाशील नहीं होते, काम करना बंद कर देते हैं एकदम, तो बिल्कुल डर के कारण हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, डरे हुए मन वालों का डरे हुए मन वाले व्यक्तियों के हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, बाणी भी अधिक और बाणी भी अधिक कपने लगती है, कप कप अब मतलब तुतला कर जिसको बोलते हैं, बाणी मतलब बात भी बहुत तुतला के आने लगती है, मतलब बाणी में कंपन आ जाता है, जो व्यक्ति डरा हुआ होता है वो कुछ भी कोई उसे बात पूछे तो उसका मन होता है कपा, वो बोल नहीं पाता है, अर्थात
ताले हम अश्य आह्वानम करूं, शेर करा इसलिए मैं अब इसको बुलाऊंगा, क्योंकि भील तो नहीं बुला रही है, मेरे डर के नाते जो है वह भील जो है डर गई है, इसलिए मैं ही बुलाता हूं। तो शेर कह रहा है कि भील जो है मेरे बैठे रहने से, मेरे डर से जो है वह बोल नहीं पा रही है, इसलिए तद अहम, तद प्लस अहम अश्य आह्वानम अकरूं, मैं इसको बुलाता हूं, किसको, सियाह को। एवं सह विलय प्रविष्ट में भोज्यम भविष्यत्, इस प्रकार जब वह बिल में प्रवेश करने पर वह मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरूं, आह्वानम प्लस अकरूं, सिंह जो है अचानक बड़े जोर से उसको बुलाया। सियार को सिंह उच्च गर्जनम, शेर की ऊंची गर्जनाहट प्रतिध्वनिना सा दुगुनी आवाज में सा गुहाम उच्च श्रीगहलम आय, वह गुफा से दुगुनी आवाज में सियार को बुलाया। अनेन अन्य अपि, अन्य प्लस अपि, अन्य अपि, अपि माने भी, अनेन माने इसकी उच्च गर्जना से, शेर की ऊंची गर्जना से, अनेन अन्य अपि माने अन्य और भी, पशुवः भयभीता अभवन्, अन्य जंगल में रहने वाले और अन्य सारे जितने पशु थे सब डर गए, भयभीत हो गए, क्यों, शेर बहुत तेजी से गर्जा और गुफा से उसकी आवाज दुगुनी निकली और तेजी हो गई, जिससे गुफा के सारे या और गुफा का अगल बगल जंगल में रहने वाले सारे जानवर जो है डर गए। श्रीगाला है अब तक दूरम पलायमान इमम अक्षर, सियार भी दूर भागता हुआ इस श्लोक को पढ़ा, इमम प्लस अक्षर इसे पढ़ा, कौन सियार है, कौन सा श्लोक, अनागतम यह कूते सा शोभते, सा सोचते यो न करोति अनागतम, बने यत संसत्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदा हुए सता, विलस्यवाणी न, देख लीजिए करोति अनागतम, करोति क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष करोति प्लस अनागतम, बने अत्र इस वन में, इस जंगल में, दिया है जो भावी दुख को सोच लेता है, आने वाले दुखों के विषय में जो समझ लेता है, जान लेता है, सह शोभा, वह शोभा पाता है, वह सुखी रहता है। जो व्यक्ति आने वाले अपने दुखों के विषय में समझ लेता है, जान लेता है, और वह व्यक्ति सुखी होता है। परंतु जो भावी दुख के विषय में नहीं सोचता, आने वाले संकट मुसीबतों के विषय में जो व्यक्ति नहीं सोचता है, वह दुख पाता है। इसलिए इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गई, मेरी बुढ़ापा वृद्धावस्था आ गई, कौन कह रहा है, सियार, इस जंगल में रहते हुए मैं, मेरी वृद्धावस्था आ गई, लेकिन मैंने कभी भी बिल की बाड़ी नहीं सुनी। बच्चों अब इस पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर ये आपको एक पद में देना है, एक पद में, एक पद में उत्तर, एक पद, जैसे सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है, था गुहाया स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, सिंह कस्मिन समय गुहायाम, गुहाया समीपे आगता, शेर कब गुफा के पास आता,
हस्त पाद आदि का क्रिया के साम न प्रवर्तनते, किसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। पांचवा क्वेश्चन, गुहा केन प्रध्वनिता, गुहा माने गुफा किससे दुगुनी आवाज में।